भारत के नए स्मृति चिन्ह को अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित किया गया है। राजस्थान के एक व्यापारी श्रद्धालु ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यह चिन्ह भेंट किया है। पिंक स्टोन से बने इस स्मृति चिन्ह में भारत लिखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार सेवक पुरम के कार्यालय में इसे रखा गया है। इसे भेंट करने वाले श्रद्धालु ने इच्छा जताई है कि भारत नाम की जो वर्तमान में चर्चा चल रही है वह पूरी हो और देश का नाम भारत हो। वो चाहते हैं कि इसकी शुरुआत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से हो ताकि यह संदेश संपूर्ण भारत में और पूरे सनातन धर्म तक पहुंच सके। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय प्रभारी कार्य सेवक पुरम अयोध्या भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देश का नाम तो भारत है ही, कुछ तथाकथित लोगों ने विभिन्न नाम रख दिए। कुछ लोग यंग इंडिया बोलने लगे, कुछ लोग इंडिया बोलने लगे तो कुछ लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, लेकिन भारत ही हमारे देश का नाम है। उन्होंने कहा कि भारत शब्द हमारा अपना हिंदी शब्द है और इंडिया जो शब्द है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब से इसका प्रचलन हुआ, लेकिन हम लोग भारतीय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस शब्द को वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। देश का गौरव भारत का नाम अब विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, यह बहुत अच्छी शुरुआत है और यह शुरुआत राम जन्मभूमि से हो रही है, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि G20 समिट के दौरान देश के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में भारत नाम लिखा गया था। देश का नाम तो भारत ही है, तथाकथित लोगों ने विभिन्न नाम रख दिए, कुछ लोग यंग इंडिया बोलने लगे, कुछ लोग यंग इंडिया बोलने लगे, कुछ लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, परंतु भारत ही हमारे देश का नाम है। और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आचार्य पंडित भी भारत ही बोलते हैं। ये जो स्तंभ आपने लिया है, आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित भी हैं, क्या इस तरीके के स्तंभ राम जन्मभूमि में भी प्रयोग किए जाएंगे? ये एक सांकेतिक कुछ कार्यकर्ताओं ने हमको दिया है और भारत में ही है, राम मंदिर भी भारत में ही है।